मैं पर्ची के माध्यम से, आपको यार बोल दिया, मैं पर्ची के माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा, सुदर्शनपुरा विस्तार और करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय मंत्री जी ने 90 साल की लीज पर 1965 में इन चारों औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया था। करतारपुरा में 180 इकाइयाँ लगाई थी 28.85 एकड़ में, सुदर्शनपुरा में 95 इकाइयाँ लगी थी 17.60 एकड़ में और सुदर्शनपुरा विस्तार में 150 इकाइयाँ लगी थी 14.71 एकड़ में और 22 गोदाम में 184 इकाइयाँ लगी थी 30 एकड़ में। और ये औद्योगिक क्षेत्र को हर जो औद्योगिक इकाई थी उसको 200 वर्ग गज से और 600 वर्ग गज तक के भूखंड आवंटित किए गए थे। 60 वर्षों से ये बड़े सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे जयपुर शहर की का विस्तार हुआ, आज स्थिति यह है कि ये सभी औद्योगिक क्षेत्र सघन आबादी क्षेत्र में आ गए हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों के चारों ओर सैकड़ों कॉलोनियां बस गई है, हजारों नागरिक वहां पर निवास कर रहे हैं। सघन आबादी क्षेत्र में आने के कारण भारी वाहनों का आवागमन पूरे दिन प्रतिबंधित रहता है और रात्रि को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल ये खुलता है, जिसके कारण कच्चे माल को लाने का और जो माल तैयार हो जाता है उसको बाहर भेजने में बड़ी कठिनाई होती है। आज कुशल और अकुशल श्रमिक ज़्यादातर बाहर से आते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड छोटे होने के कारण उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कर्मचारी स्थायी नहीं रहते और वो चले जाते हैं। इसके कारण वहाँ स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती। आज भरते हुए औद्योगिक परिवेश में इकोनॉमिक वाइबिलिटी के लिए मास स्केल पर उत्पादन समय की मांग है, पर छोटे भूखंड होने के कारण उत्पादन क्षमता का विस्तार करना संभव नहीं है। और रिको की लापरवाही से लापरवाही से यहाँ सड़कों की चौड़ाई भी कहीं पर 10 फीट और कहीं 12 फीट रह गई है। पिछले कुछ साल पहले वहाँ पर आग लगी थी एक रसायन फैक्ट्री में, तो वहाँ 3 घंटे लगे फायर ब्रिगेड को आने में और उसके कारण 5 मजदूर घायल हो गए और आसपास की 4 फैक्ट्रियां भी उससे क्षतिग्रस्त हुई। तो मेरा कहना यह है कि तंग गलियों के कारण यहाँ आबादी के बीच में आ जाने के कारण स्थानीय निवासी, 2 मिनट साहब पूरी बात तो होने दो, एक मिनट और लेऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित हैं, कई बार स्थानीय नागरिकों में और उद्यमियों में टकराव की स्थिति भी हो जाती है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन औद्योगिक इकाइयों को, जो नई औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर में विकसित हो रही है, उनमें स्थानांतरित किया जाए। और मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करना चाहूँगा कि इनको प्राथमिकता के आधार पर उन औद्योगिक इकाइयों में ये मिले, रियायती दर पर मिले उत्तर और कम से कम बड़े भूखंड आवंटित हो और इनको कंसेशनल रेट पे मिले और इस एरियाओं को रीनोटिफाइड करके कमर्शियल में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे राजस्व की प्राप्ति भी होगी। ये मैं अनुरोध करना चाहूंगा। फिर पर्ची लगाने लाभ क्या, उत्तर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कालीचरण जी ने जो बात सदन में उठाई है, मैं उनकी भावना समझ रहा हूं और उन्होंने ये पहली बार नहीं उठाई, पहले भी इस बात को उठा चुके हैं। बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर पुराने औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो शहर के बीच आ गए, शहर का विस्तार हो गया है। मैं सदन को ये बतलाना चाहूँगा कि 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा और करतारपुरा के अंदर जो इकाइयाँ हैं, उद्योग की जो इकाइयाँ हैं, वो ग्रीन, वाइट और कुछ ऑरेंज में आती हैं। मैं संक्षिप्त में कहता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन जो जुड़े हुए हैं, रिहायशी क्षेत्र हैं आसपास, जो वर्कर्स हैं वो हैं, जिनकी इकाइयां खुद की लगी हुई हैं, रॉ मटेरियल लाने वाले सब लोग हैं।
इसके अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे पास, ये जमीन खुद लीज पर आती है रिको के पास में, हम मालिक नहीं है उसके, और क्योंकि लीज पर हमारे पास आती है हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि कितने का हम जो लैंड यूज है वो चेंज कर सकते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी एक अराफात केस करके है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है रिको के ऊपर लैंड यूज चेंज करने के ऊपर। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है और उसके लिए जितनी ऐसी जगह हैं उसको पूरी तरह से हम एग्जामिन करेंगे सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए। श्री डूंगर राम केदार।